वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का नाम है इस्लाम एंड पबजी। ठीक है, तो ये बोला ना मैंने, इस्लाम इस दुनिया की हर एक चीज से रिलेटेड है। पबजी एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी वीडियो अभी की गेम है, सोच इस्लाम उससे रिलेटेड है। क्या बन गया तो सुन लेते हैं ना, क्या अच्छी क्या अच्छी बात देखने मिल रहा है, क्योंकि आजकल पबजी का जो नशा है बहुत ही गंदा है। पबजी के बारे में आई थिंक कौन जो पबजी के बारे में बोलते हैं कि नहीं खेलनी चाहिए, अच्छी मैंने अच्छा मैंने अरे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसी ही वीडियो होनी चाहिए भाई, खेलनी चाहिए यार, ये रेवोल्यूशन है। नहीं नहीं मैं बताऊँ क्या गेम है, मैं तो आपको ये बताने होगा, इंडिया में कुछ सिटीज में पबजी बैन है, वहां पे ना एक वीडियो भी आई थी, बच्चे हैं बच्चे बताओ क्यों बैन है। हर उसमें ना क्या होता है कि होता नहीं है, नुकसान हो रहा है उससे, अरे तो सुन ले, पेरेंट्स की हो रही है, क्या हुआ सुन ले, बच्चा लड़ा गेम खेल रहा घर में, ऐसे बाहर बैठा होगा चेयर पे, पुलिस आती है पबजी खेल रहा है, हाँ अंकल चल भाई जेल में, उठा के बच्चे को वीडियो वायरल हुई थी इंडिया में, कि इंडिया में बहुत जगह पे ऐसी सिटीज हैं और नुकसान दे रही है, खासकर नहीं खासकर चेन्नई साइड, हमारे साउथ इंडिया में इतनी क्रेज है ना, मतलब ऑफिस बंदे जाते नहीं, बाहर ही बैठे होते हैं सारा दिन पबजी पबजी पबजी। ठीक है, हाँ मजा आ गया। तो ओरिजिनल चैनल का नाम है नूरजैन नॉलेज, इनको पक्का सब्सक्राइब करें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन है, पक्का चेक करें, बहुत अच्छी वीडियोस है इस्लाम पर, तो हम इनकी वीडियोस भी देखने वाले हैं, एक बार हम इनसे बात करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इनकी नॉलेज वाली वीडियोज है, 1.4 सब मिलियन सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में, इसीलिए अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूरजैन नॉलेज। नाज़रीन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। सेम हमारी तरफ से भी, आज मैं आपको एक गलत फहमी दूर करने की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। पबजी गेम जो है इसको इस्लाम के साथ जोड़कर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक को पबजी गेम के साथ फिट किया गया है, जो वीडियो यूट्यूब पर बहुत गर्दिश कर रहे हैं। नाजरीन इस वीडियो में आप जानेंगे क्या सही है और क्या गलत है। नाजरीन ऑनलाइन गेम्स खेलने का क्रेज इतना बढ़ रहा है कि जवानों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी खूब देखने को मिलता है, जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों पबजी गेम का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है। अब तक इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन ये क्रेज जवानों और बच्चों में गंदी लत बनकर सामने आ रहा है। नाजरीन किसी भी चीज़ की लत हमारे लिए हानिकारक ही होती है। जवान और बच्चे पबजी गेम के इस कदर आदि होते जा रहे हैं कि दिन रात फ़ोन के साथ ही चिपके रहते हैं। गेम के टास्क पूरा करने के लिए वो ना तो खाने की परवाह करते हैं और ना ही नींद की और ना तो पढ़ाई की फिक्र करते हैं। नाजरीन स्कूल के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है, इसलिए कई स्कूलों ने तो रैलियां निकाल कर पबजी गेम का विरोध कर चुकी हैं। नाजरीन आइए अब बात करते हैं पबजी गेम को जो इस्लाम से जोड़ा जाता है, एक हदीस के साथ तोड़ मरोड़ कर जो जोड़ा गया है वो सरासर गलत है। वो कैसे? वो इस तरह के हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में एक जंग होगी जिस जंग का नाम है अल मलहमतुल कुबरा, जिस जंग में 99 लोग शहीद हो जाएंगे और एक बचेगा। तो इस वजह से ये लोग इस हदीस को पबजी गेम पर फिट कर रहे हैं कि इसमें भी 100 बंदे एक आइलैंड पर उतरते हैं और फाइट करते हैं, इनमें से एक बचता है वो जीतता है, जिसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन अगर हदीस को सही तौर पर पढ़ा जाए और देखा जाए तो ये जंग मुल्क शाम के मैदान में होगी, और ये भी हदीस में फरमाया गया है कि उस जंग में जो शरीक होंगे उन मोमिन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अगर आप इस हदीस को और गेम दोनों को जोड़ने जाएंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हदीस में जिस जंग का जिक्र आया है वो ज़ाहिर और रियल दुनिया का है, ना कि वर्चुअल दुनिया के, क्योंकि पबजी गेम कोई असली दुनिया नहीं है बल्कि कंप्यूटर और नेट के ऊपर एक मैप बनाया हुआ है जिस पर लोग खेलते हैं। और बात करें हदीस की तो वो असली दुनिया की जंग होगी। और नाजरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में 99 का इरशाद फरमाया है तो पबजी गेम में भी मोड अलग अलग आते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही बचेगा, बल्कि दो की जोड़ी में गए तो दो बचेंगे
चार की जोड़ी में गए तो चार बचेंगे, तो ये सभी चीज़ें इससे गलत साबित होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जंग में शरीक होने वाले को जन्नत की बशारत दी है। इससे पता चलता है कि मोमिन और काफिर के बीच जंग होगी, जिसमें मोमिन जो भी शहीद होंगे उनको जन्नत की बशारत दी गई है और शरीक होने वालों को भी जन्नत की बशारत दी गई है। और ये बात करें पबजी गेम की, तो इसमें तो खेलने वाले सब हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें जीतने वाला मोमिन ही होता है, इसमें हर जात के लोग खेलते हैं, मोमिनों काफिर भी होते हैं, यहूदो नसारा भी होते हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। अगर हदीस को इस गेम के मुतालिक माना जाए तो उसमें खेलने वाले को क्या जन्नत मिलेगी? माज़ल्ला अब्रहा अलमलहमतुल कुबरा, जो बड़ी जंग होने वाली है, इससे पहले ना कभी ऐसी जंग हुई होगी ना बाद में होगी। इसके आसार क्या हैं तो जानिए। हदीस में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की वीरानी होगी, मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़ुहूर होगा, फितनों का ज़ुहूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का ज़ुहूर होगा। फिर आपने अपना हाथ मुआज़ बिन जबल की रान या मोंडे पर मारा जिनसे आप ये फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। नाज़रीन, और एक दूसरी हदीस में है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी जंग और कुस्तुनतुनिया की फतह और दज्जाल का निकलना तीनों चीज़ें 7 महीने के अंदर होंगी। तो इन हदीसों से अच्छी तरह मालूम होता है कि बैतुल मक़दिस की आबादी पहले होगी, फिर मदीना की वीरानी, और मदीना की वीरानी जो है इससे लड़ाइयों और फितनों का ज़ुहूर होगा। अलमलहमतुल कुबरा जो है, मदीना वीरान होगा उसके बाद शुरू होगी, यानी इस हदीस के मुताबिक देखा जाए तो अभी मदीना आबाद है, वहाँ इस तरह का कोई फितना नहीं हुआ है। नाज़रीन, अगर हदीस की बात करें तो जो हमारे नबी ने फरमाया वो होके रहेगा, लेकिन हदीस को पबजी गेम के साथ जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो यार देखो, अगर जैसे कि मुझे समझ आया इतना, क्योंकि थोड़े कुछ भी बातें समझ में नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, कुछ बातें थोड़ी डीप थी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी इनकी लैंग्वेज मतलब उस तरह, मतलब क्या बोलते हैं उनको, भी उर्दू टाइप, हाँ, तो उनकी उर्दू लैंग्वेज में थोड़ी, तो जितना मुझे समझ आया कि इनको ये पबजी इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि इस्लाम से इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है, भी कंसेप्ट सेम लिया हो, जो 100 बंदे उनमें से 99 लड़ेंगे मरेंगे इसे जीतेगा, हाँ, वो ऐसा पबजी में जो रूल है, पर टाइम श्योर भी गेम वालों ने ऐसा नहीं सोचा होगा, बट अगर ऐसा इनको लग रहा है भी इस चीज से, तो फिर मतलब थोड़ा स्टेप देना चाहिए चीज को, इस चीज के ऊपर, ठीक है, बंद होनी चाहिए वैसे अगर टेक्निकल या फिर ऐसा होना चाहिए, नहीं रूल्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को भी, अगर देख अगर मैं बोल रहा हूँ अगर रिलीजन से रिलेटेड है तो बंद होनी चाहिए, ठीक है, अगर रिलीजन से रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ एक तरह से लोग ऐसा बोल रहे हैं, तरह से मतलब अंधविश्वास क्या बोलते हैं, सब अंधविश्वास बोलते हैं, मैं अंधविश्वास बोल दिया, अंधविश्वास फैला रहे हैं चीज़ का, तो फिर नहीं होनी चाहिए पबजी बैन, क्योंकि यार एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी है, एंजॉय बच्चों की लाइक अभी की नीड है, ये बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, लाइफ नहीं, अरे यार वो तो चलो पता भी लगे रहते हैं, सभी बच्चे खेलते रहते हैं, पर थोड़ी लिमिट, चलो ऐसे गेम को लिमिट नहीं करनी चाहिए, दिन में 3 घंटे 5 घंटे ना कोई लिमिट होती खेलन दी, पर थोड़ा ध्यान भी रखो ना, इधर उधर का भी पता होना चाहिए, अंदर बाहर का कोई आया साढ़े घर गया, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, उन्होंने कोई प्रॉब्लम होती है उन्होंने पूछो, पर पबजी के थोड़े ही रेगुलेशन डालनी चाहिए, मतलब ठीक है,
एक तो मतलब पहले तो रीजन से नहीं जुड़ना चाहिए, सेकंड बात थोड़ी करना पड़ेगा पबजी, पबजी वालों को भी गेम वालों को भी थोड़ा उसमें डालना पड़ेगा टाइमिंग्स का कुछ, भाई एक दिन में 8 घंटे ना होने के लगते ज्यादा इस टाइम तक एनी टाइम तक खेल सकते हैं नो, ए नहीं भी दिन रात लगे रो किसे दा आने जाने दा पता नहीं, माइंड पता नहीं किधर जा रहा है, पता बंदा बीच को उस जंदा गेम दे प्रॉपर्ली या मजा आता है वैसे बहुत यार। तो यार आप बताएं भी पबजी बैन होनी चाहिए नहीं चाहिए, खेल रहे हैं मेरे भाई हावी हो रहा है उन्हें एमें माइंड जो दे इतना सेट हो चुका है कि बंदा प्रॉपरली गेम के अंदर चला जाता भी आह बंदा मैं ही है मैं ही बंदे मार रहे हैं सारे ऐसे ना ना माइंड दे बहुत इफेक्ट पे रहे हैं बच्चे सो इन्हों थोड़ा जा तो गाइस इस वीडियो को तुम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं भी पबजी बैन होनी चाहिए कमेंट से बताएं, ऐसे भी ना ही बोलने वाले हैं कौन ना बोलेगा, इस वीडियो को तुम कर रहे हैं वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोले, लव यू गाइस, पीस।